ये भी जगह कौन सा है? पश्चिमी पराती है ना, देखिए वार्ड नंबर 13 लक्ष्मण नगर। हाँ दिखाओ भैया को, दिखाओ वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13 लक्ष्मण नगर। देखिए भैया देख रहे हैं ना कितना खेत से सटा हुआ घर है, तो कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू तो आएंगे। सावधानी रखना कि ऐसे घर में रात बिरात में कभी भी बिना अंधेरा के जाए ना, क्योंकि अभी नया बन रहा है, एकदम कचरा थोड़ा फैला है। आओ इधर इधर जाओ, उनका हथियार पकड़ो, पर कहां जाओगे? क्या उनका पकड़ो? हां कोई दिक्कत नहीं है, बाप बताना। आ जाओ इधर, ये रहा देखो, ईटे में है ना, दिख रहा है? ईटे में है, है बाबा। ये पकड़ी तो कितना? अरे डरिए डरिए मत, जहरीला नहीं है, घबराना लगा के इधर आ जाओ। देखिए कितना तेज फुर्तीला है। तो देखिए ये जो सांप आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, इधर से लो यार बाबू, तुमने इधर से सबका आएगा। तो देखिए खेती बाड़ी करे तो हमारा काम है आपको जागरूक करना, वीडियो बनाते रहो। तो देखिए सांप से केवल डरने का मतलब नहीं है कि आप लोग डरे डर भय रखे, ये सांप जो है इसको कहते हैं असड़िया धामिन, और इससे ये फायदा है कि ये कम से कम महीने भर में 30-35 तो चूहा खा जाता है, और एक दिन में एक दूसरा चूहा खा गया, देखिए कैसे उछल रहा है। और ये जहरीला नहीं रहता, बस काट सकता है, काटने पे घाव हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, बाकी कोई ऐसा जानलेवा खतरा नहीं है। देखिए कैसे उछल रहा है वो देखिए, और हल्का हल्का देखिए फुका रहा है, ये दिखाना चाहता है कि जहरीले हैं, बाकी जहरीला नहीं है, देखिए कैसा है पीला। तो आप सभी लोग सतर्क रहिए। और देखो एक और बात इधर भी लिखा, देखो बोल रहे हैं ना कि सांप के मामला हो चाहे बीमारी हो चाहे कोई भी चीज रहे, उसके लिए आप अस्पताल का ही रास्ता देखें, ना तो झाड़ फूक ना तो कोई जड़ी बूटी इसका सहारा मत लीजिए। अगर आपको डेंगू हुआ है, सप्ताह भर से बुखार नहीं उतरा, तो कोई जरूरत नहीं कि ज्यादा पत्ता पीस पीस के पीते रहे, अस्पताल जाके डॉक्टर से सलाह लीजिए, ब्लड जांच करवाइए, सब चीज करवाइए, तब सही है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम जड़ी बूटी पी रहे हैं तो हमको कुछ होगा नहीं, तो सब अंधविश्वास है, बाकी सांप देखिए जहरीला नहीं है। ठीक है भाई, देखिए आप सब लोग का धन्यवाद है कि मारते नहीं है, बचाने में मेरा सहयोग करते हैं, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी जो धाबिर हमने पकड़ा था पूरे ये पश्चिमी परासी में घर के अंदर, उसको यहाँ छोड़ने आए हैं कि आउटर इलाका है। देखिए यहाँ जो है ये कुत्ता जो है गाय मरी है, सड़ा गला है, वो खा रहा है, चारों तरफ इधर हड्डी फड्डी ही चारों तरफ यहाँ पड़ी है, कि यहाँ पे सड़ा गला सब फेंकते हैं, उसके बावजूद भी हम यहाँ इधर आते हैं कि छोड़ दें, यहाँ कम लोग आते जाते हैं। देखिए धामिन है, इसको यहाँ छोड़ दे रहे हैं। देखिए ये रहा हमारा धामिन, और जो बदबू यहाँ मार रहा है आप समझ नहीं सकते कि कितना खतरनाक बदबू है, कि कुत्ते उत्ते जो हैं हड्डियाँ खा रहे हैं। तो देखिए ये रहा धामिन, इसको उधर छोड़ दिया जाए। ये देखिए उल्टा इधर ही जा रहा है, जा भाई उधर जा। देखिए वापस ये इधर ही की तरफ आ रहा है, इसका उधर छोड़ा, चलिए इधर ही छोड़ दिया जाए। अरे बाप रे कितनी बदबू, देखिए सड़ा गला सब, ये देखिए बदबू इतनी, देखिए वो चलो वो। तो देखिए इधर इतना गंदगी है चारों तरफ है, कि चारों तरफ हड्डी गाय सड़ा गला सब मरा है, मगर हम उसको दूर ला के इसलिए छोड़ते हैं कि ये अपना दूर रहेगा तो लोगों से बचे रहेंगे, क्योंकि इधर कम लोग आते जाते हैं, ये पूरा डंपिंग साइड है, कुत्ते उत्ते हैं, पूरा बदबू तो इतनी खतरनाक मार रही है, फिर भी ये हमारा रोज का कार्य है कि हम छोड़ने आते हैं, बंद करते हैं।